हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एमसीक्यूज के साथ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास ये डायग्राम गिवन है और इसमें पूछा है ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, हमारे पास चेंज इन डिमांड को बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को बता रहा है, बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए नॉर बी। अब हमारे पास पहले पी और क्यू जो ओरिजिनल क्वांटिटी है और ए पॉइंट पे है। हम सपोज पी से हम पी वन पे जाते हैं तो हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, सी पे, और अगर पी टू पे प्राइस होता तो कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, बी पॉइंट पे। और ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, या तो अपर मूवमेंट होगी, सी ए से सी पे जाते हैं, या फिर ए से बी पे जाते हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट किस केस में होती है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट होती है, और चेंज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन गिवन है हमारे पास, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड, और रीजन दे रखा है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं इलास्टिसिटी के। अब हमें पता है इलास्टिसिटी की डिग्रीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी तरह से इलास्टिसिटी होती है। सबसे पहले हमारी आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है उसमें जो डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारे पास इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी इन्फिनिटी होगी। इस एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमारी डिमांड जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब दूसरी तरह की डिमांड होती है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब प्राइस चाहे कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, हम एक ही अमाउंट पे रहेंगे जो कि चेंज नहीं होगा। प्राइस चाहे पी हो, पी वन हो, पी टू हो, हमारा इसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस के साथ चेंज नहीं होगी। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास इलास्टिसिटी जो होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, जहां इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, यहाँ पे वन होगी, और यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। प्राइस के साथ जितने से प्राइस चेंज होगा सेम अमाउंट से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। उसके बाद आता है ग्रेटर देन वन, जिसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक के केस में प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए यहाँ पे प्राइस ही है, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो बहुत ज्यादा चेंज होगी। प्राइस में तो पी से पी वन, देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, हमारा फ्लैटर कर्व बन जाएगा, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन वन, जहां पे प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज होगा बट क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए प्राइस पी से बहुत कम होकर नीचे जाके कितना हो गया, पी वन। प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आ रहा है। तो हमारे पास इसको, इसमें जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीपर होगा, और ये इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन वन। ये ज्यादातर नेसेसिटी की गुड्स में होता है, और ये वाला जो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होती है ये लग्जरी गुड्स में होती है। इलास्टिसिटी जहां जीरो होती है ये लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह होती है, जो बहुत ही जरूरी होती है, उन चीजों में इलास्टिसिटी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां लाइफ की बात आती है, जहां हमें मेडिसिन वगैरह खरीदनी है लाइफ को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, तो हम वहां पे उन चीजों को परचेज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो हो जाती है। तो हमने उसके बाद आती है परफेक्टली इलास्टिक, बहुत ही ज्यादा लग्जरी गुड्स होती है, जो कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हम बिल्कुल भी चीज नहीं, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मगर इस प्राइस से अगर थोड़ा सा भी प्राइस थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास पांच तरह की डिग्रीज आती है, परफेक्टली इलास्टिक जिसमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, दूसरी होती है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कहा जाता है,
इसको परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, उसके बाद इलास्टिसिटी इक्वल टू वन, जहां जितना प्राइस में चेंज आएगा सेम अमाउंट से क्वांटिटी में चेंज आएगा, मतलब प्राइस में इतना चेंज आया तो क्वांटिटी में भी उतना ही चेंज आएगा। उसके बाद ग्रेटर देन वन वहां पे होती है जहां प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आता है बट हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। और जो लेस देन वन होती है वहां पे क्या होता है, प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आता है मगर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, नेसेसिटी चीजों के लिए ये यूज होता है। तो अब हमारे पास एजर्शन गिवन है, एजर्शन में क्या गिवन है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन वन इन केस ऑफ इन इलास्टिक डिमांड। हमने अभी पढ़ा कि जहां इन इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड के केस में हमारी जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लेस देन वन। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया assertion। अब reason क्या दे रखा है, proportionate change in demand is less than proportionate change in price। हमने यही कहा कि प्राइस में तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा चेंज होता है बट क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक डिमांड। तो रीजन भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ए जो है ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला प्रोवाइड्स रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्लोप ऑफ डिमांड कर्व से दिखाते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, इजी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion गिवन है, लग्जरी गुड्स ऑफन हैव हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने किया कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन कब होती है, जब लग्जरी गुड्स होती है, तो यहाँ पे हाई इलास्टिक डिमांड किस केस में होगी, यहाँ पे भी यही कहा हुआ है लग्जरी गुड्स में, तो assertion तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देख लेते हैं, वेन प्राइस ऑफ लग्जरी गुड्स इंक्रीज देन देयर डिमांड फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। Considerably as they are put to urgent uses, तो urgent uses के लिए तो होता ही नहीं है, luxury goods के लिए ही होता है, तो luxury goods urgent में नहीं आती, urgent में तो necessities आती हैं, तो इसलिए हमारा जो reason है वो incorrect हो जाएगा और assertion जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो option जो C है वो correct हो जाएगा, assertion A is true but reason is false। अब next question आता है, assertion given है, price elasticity is infinite in case of horizontal straight line in demand curve, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने कहा जब horizontal straight line होती है तो elasticity of demand क्या होती है, infinity तक होती है, तो assertion तो ठीक है। अब reason देख लेते हैं, demand is more elastic in case of long period as compared to short period, बिल्कुल ठीक है कि long period में जो है elastic होती है, मतलब हम change कर सकते हैं price के change होने से but short period में नहीं कर सकते, but ये correct reason नहीं है assertion का, क्योंकि जो हम elasticity of demand देखते हैं वो price के साथ देखते हैं और यहाँ पे long period as compared to short period इस तरह से दे रखा है, तो ये correct reason नहीं है, दोनों ही correct है but assertion का ये reason जो है वो correct explanation नहीं है, तो option B जो है वो correct हो जाएगा, both assertion A and reason R are true and R is not the correct explanation of assertion A। Next question है, demand for a good is less elastic when, कब less elastic होती है, less than one कब होती है, हमने अभी किया था कि जब price में तो ज्यादा change होता है, मतलब price यहाँ पे P से देखो बहुत ज्यादा कम होके रह गया P1, मगर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कम चेंज आएगा और ये Q से Q1 थोड़ी सी बढ़ रही है, तो हमारे पास ये लेस इलास्टिक होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन ए है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल ठीक है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो है बाकी ऑप्शन में देखिए, एक में तो इक्वल टू दे रखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा व्हेन डिमांड कर्व स्टीपर स्टीपर होता है बट बेस्ट जो हमारा जो अगर डिफाइन करने का तरीका है तो वो यही माना जाता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशनशिप देखा जा रहा है कि कितना चेंज आता है। बी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बताया, तो ये बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो है ए है और ए ही करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स में कोई भी चेंज नहीं आता इवन आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस,
देन इट्स डिमांड इज, अभी हमने किया था कि अगर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आता है क्वांटिटी में, चाहे प्राइस ये हो बड़े कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है जितनी है उतनी की उतनी ही रहती है, तो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो होती है, और उसको क्या कहा जाता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अ नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट, नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या इनवर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताता, या none of these. तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है जो नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डैश देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट राइज इन प्राइस, हमने किया था, कब होती है ऐसा इनफाइनाइट डिमांड, इन्फिनिटी कब तक होती है, जहां पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो हमारी जो डिमांड है वो इन्फिनिटी तक जाती है, मगर इस प्राइस से अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमारी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट इट विल बी, अगर सिग्निफिकेंट शेयर मतलब एक इनकम का बहुत सारा पार्ट जो है अगर किसी चीज को खरीदने में चला जाता है, तो वो लेस इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी, यूनिटरी इलास्टिक होगी, या परफेक्टली इलास्टिक होगी। तो यहाँ पे हाईली इलास्टिक डिमांड होगी, क्योंकि जहां पे हमारा बहुत कम पार्ट जो है जाता है बजट का किसी चीज को खरीदने में, वो हमारी नेसेसिटीज की चीजें होती है, और जहां बहुत बड़ा अमाउंट जाता है वो हमारी लग्जरीज की चीजों पे जाता है, तो इसलिए हाईली इलास्टिक डिमांड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू एनी चेंज इन प्राइस देन डिमांड कर्व, अगर हमारे प्राइस में कम या ज्यादा चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आता, तो हमारा कैसा रहेगा डिमांड कर्व, ये होगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है, और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू जीरो होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एक में -1, -4, -6, दूसरे में -6, -4, -1, या फिर सी बोथ आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। इंक्रीजिंग में बताना है, इंक्रीजिंग का मतलब हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, तो छोटे से बड़े पे जाना है जिससे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता चल सके। तो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन में देखिए, इलास्टिसिटी इज ऑलवेज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइनस का साइन हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप को बताने के लिए होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -1, -4, -6 इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 1, 4, 6, क्योंकि माइनस के साइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड के केस में जो है हमारा डिमांड कर्व स्टीपर होता है, स्टीपर, और हाईली इलास्टिक डिमांड में हमारा कैसा होता है, फ्लैटर, फ्लैटर होता है, और फ्लैटर और स्टीपर में अगर हम डिफरेंस देखें तो किस तरह से होता है, जो स्टीपर होता है वो इस तरह की शेप होती है, और जो फ्लैटर होता है वो इस तरह की शेप होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने देखना, ये फ्लैटर, ये हो गया फ्लैटर, और ये हो गया स्टीपर, और लेस इलास्टिक है ये, लेस इलास्टिक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे लेस इलास्टिक का पूछा, तो लेस इलास्टिक जो है ये वाला तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में होता है, यहाँ पे वर्टिकल है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इन दोनों डायग्राम में से देखे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में, तो ये फ्लैटर है और ये स्टीपर है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फॉलोइंग डिमांड कर्व विच वन इज मोर इलास्टिक. मोर इलास्टिक कौन सा होगा, जो बहुत ज्यादा फ्लैटर होगा, और इसमें कौन सा ज्यादा फ्लैटर है सबसे, तो हमारा पॉइंट जो ई है वो सबसे ज्यादा फ्लैटर है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.